सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित लूकरगंज में जिस जगह कभी माफिया अतीक अहमद का कब्जा हुआ करता था, वहां योगी सरकार ने फ्लैट बनवाकर आज गरीबों को सौंप दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत बने इन 76 फ्लैटों की चाबी लाभार्थियों को सौंपी तो कई की आंखों में आंसू आ गए। अधिकांश को ये विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके घर का सपना योगी सरकार ने पूरा कर दिया है। इस अवसर पर संबोधित करते हुए सीएम आदित्यनाथ योगी ने कहा, प्रदेश भर के सभी विकास प्राधिकरण इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। मैं सभी विकास प्राधिकरण से कहना चाहता हूँ कि वे भी अपने यहाँ माफियाओं से छुड़ाई जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आसियाना बनाएं और उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे, तो यह लोगों के मन में विश्वास पैदा करने का काम करेगा। घर का सपना पूरा होने पर जाहिदा फातिमा ने ANI से बात करते हुए कहा, हमें बहुत खुशी है आज, मैं योगी जी का बहुत धन्यवाद करूंगी। जो सपना मेरी मम्मी का था, मेरी मम्मी नहीं, मेरे पापा के अलावा परिवार में 2 भाई 1 बहन है। हमारा सपना था कि विशेषकर मेरी मम्मी का कि हमारे पास अपना एक घर, हम लोग 30 साल से किराए के घर में रह रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं योगी जी का जितना धन्यवाद करूं उतना कम, मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा कर रही हूं। मैं बयां नहीं कर सकती हूं कि मुझे कितनी खुशी। इतना कहने के बाद फातिमा भावुक हो जाती है और कहती है कि इसलिए भावुक हो रही हूं कि मेरी माँ का सपना पूरा हो गया। वहीं एक अन्य महिला लाभार्थी ने बताया, मुझे जो खुशी हो रही है उसे बयां नहीं कर सकती हूं। कभी सोचा नहीं था कि घर का सपना पूरा होगा, लेकिन आज पूरा हो गया। यकीन नहीं हो रहा कि अपने घर की छत के नीचे खड़ी, कोई यह नहीं कह पाएगा कि पानी कम चलाओ या ये मत करो वो मत करो। योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बता दें कि अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण करवाया है। प्रयागराज के लूकरगंज में सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई गई थी। उसी जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए। अधिकारियों ने बताया कि 4 मंजिल की इमारत में तैयार किए गए फ्लैट्स में एक फ्लैट की कीमत 7.5 लाख रुपए रखी गई। इसमें से लाभार्थी को सिर्फ 3.5 लाख रुपए देने होंगे, बाकी रकम लाभार्थी को सरकार की तरफ सब्सिडी के लाभ के रूप में मिलेगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।